हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी फिलहाल हम लोग स्कैंडिनेवियन डिफेंस के बारे में डीप में डिस्कस कर रहे हैं, तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस के सारे वेरिएशन खत्म होने के बाद ही मैं कुछ और ओपनिंग बनाऊंगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सजेशन आए हैं कि आप डैनिश गैम्बिट या सिसिलियन अगेंस्ट और जैसे पोर्टुगीज वो पर्क डिफेंस, फ्रेंच डिफेंस के बारे में विन आवर वेरिएशन सब सजेशन देते हैं लोग मुझे कि इस बारे में। मैं दोस्तों सभी ओपनिंग का नॉलेज रखता हूँ, मेरे पास सारी ओपनिंग्स के मटेरियल है और पूरी मतलब एनालिसिस करके मैंने खुद बनाई है बहुत सारी ओपनिंग्स। तो जैसे कि हम पोर्टुगीज गैम्बिट में डीप में कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस, तो मैं यही चाहता हूँ कि एक वेरिएशन, एक ओपनिंग आपके लिए मैं पूरी रेडी करके तैयार कर दूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरी ओपनिंग शुरू करूंगा। तो पेशन रखिए, आपकी चॉइस की ओपनिंग भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आ सकती है आफ्टर फिनिश द स्कैंडिनेवियन डिफेंस। तो वेट एंड वॉच, और सभी ओपनिंग जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वन बाय वन सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस। लास्ट टाइम हमने देखा था पोर्टुगीज वेरिएशन में, मैंने बताया था कि फिफ्थ मूवमेंट बिशप बी5 चेक, बी5 चेक इन पोर्टुगीज वेरिएशन। याद रखो बी5 चेक अलग भी आता है, जैसे कि e4, d5, e d5, knight f6 और उसके बाद bb5 चेक। अब ये दो वेरिएशन आपके दिमाग में मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए मैं खास बताना चाहूंगा कि bb5 चेक बिना पोर्टुगीज मतलब बिना d4 के आ सकता है और bb5 चेक d4 वाली लाइन में भी आ सकता है। तो देखते हैं हम पोर्टुगीज में d4 वाली लाइन में bb5 चेक। मैं बिना d4 का bb5 चेक का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं e4 d5 d5 knight f6 d4 देन बिशप g4। d4 व्हाइट ने किया है यहां पे, तब हमारा बिशप g4 आता है। d4 नहीं करता है व्हाइट और bb5 चेक डायरेक्ट देता है, तो कुछ और मूव आएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। और कौन सा मूव आएगा वो जानने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बिशप b5, जैसे कि व्हाइट ने खेला d4 और हम खेल रहे बिशप b5, bg4 आफ्टर f3 बिशप f5 और धैन bb5 चेक। अब ये कुछ अलग हो गया, यहां पे आपको खेलना है Nbd7 और यहां व्हाइट के पास दो मेन ऑप्शन c4, दूसरा है g4। तो c4 मेन वेरिएशन है c4, इसमें आपको खेलना है e6। e6 के बाद मेन लाइन आपको देखनी है तो d x e6 आता है मेन में, लेकिन साइड लाइन में पहले बताऊंगा, बाद में मेन लाइन बताऊंगा। तो साइड लाइन में दोस्तों knight c3 और दूसरा जो मैंने अभी बताया आपको g4। तो दोस्तों knight c3 में क्या करना है, knight c3 के बाद आपको ये पॉन कैप्चर करना है, पॉन टेक्स पॉन, c takes d5। यहां पे c takes d5 अच्छा नहीं है, इसलिए व्हाइट की लाइन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है c5। तो c5 में आपको क्या रिप्लाई देना है ये मैं बताऊंगा। यहां पे आपको खेलना है c6, बिशप d3, बिशप टेक्स d3, क्वीन टेक्स d3 और उसके बाद b6। इसके बाद आप अच्छे से ब्लैक से खेल सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप अच्छा है आपका और ना तो आप पॉन डाउन हो, पॉन इक्वल भी है, पोजिशन भी अच्छी है काफी। अब देखते हैं साइड लाइन टू g4, e4, d5, d5, knight f6, d4, बिशप g4, f3, बिशप f5, देन bb5 चेक, bb5 चेक में knight bd7, c4 और बाद में e6। यहां पे d x e6, बिशप x e6 ये मेन लाइन है
अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइड लाइन। जो साइड लाइन आप वेरिएशन में बुक में लिख सकते हो कि साइड लाइन वन देन साइड लाइन टू। आप पूरी बुक बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो मेरे सारे वीडियो देख के वन बाय वन। जिन्होंने अगले वाले वीडियो नहीं देखे हो वापस जाके मेरे चैनल में सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और रिसेंटली ये फिफ्थ वीडियो आई थिंक स्कैंडिनेवियन का है, या आप आगे के चार वीडियो देख लीजिए। जी फोर अर्ली जी फोर यहाँ पे सेक्रीफाइस नहीं आएगा, बिशप जी सिक्स आएगा। बिशप जी सिक्स के बाद वाइट खेलता है डी क्रॉस ई सिक्स, एफ क्रॉस ई सिक्स, नाइट ई टू, सी सिक्स, बिशप ए फोर, नाइट जी फोर। अब सेक्रीफाइस आएगा नाइट क्रॉस जी फोर। थोड़ा वेट करने के बाद सेक्रीफाइस, ये सारे मूव्स आपको एकदम रट्टा मारने हैं, मतलब तैयार करने हैं एक ही लाइन में 10 बार करने के बाद आपको पक्के हो जाएगा। नाइट जी फोर आफ्टर एफ क्रॉस जी फोर आपको क्वीन एच फोर चेक मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही बेस्ट मूव। नाइट जी थ्री, बिशप डी सिक्स। अब देखो दोस्तों वन बाय वन व्हाइट को आपके क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। चेस में वही ज्यादा गेम जीतता है जो क्वेश्चन पूछता है, और वही गेम लॉस होता है जो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर देता है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मैं आपके नाइट को मार रहा हूं, अब क्वीन एफ थ्री वो आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा है नाइट को सपोर्ट करने के लिए, और सिंपल रुक एफ एट, क्वीन ई थ्री, यहाँ पे फोर्स मूव है नाइट को, वो छोड़ के जा नहीं सकता। बिशप टेक्स नाइट, देन पॉन टेक्स और क्वीन टेक्स, रुक हो रहा है। क्वीन ई थ्री के बाद लॉन्ग कैसल, और यहां से पूरी गेम ब्लैक के फेवर में है, पोजिशनली बहुत ही प्लस है ब्लैक। यहां पे मैं आपको मेन वेरिएशन बताना चाहूंगा। मेन वेरिएशन में हम आते हैं, देखिए ई फोर, डी फाइव, डी फाइव, नाइट एफ सिक्स, डी फोर, बिशप जी फोर, एफ थ्री, बिशप एफ फाइव, बिशप बी फाइव चेक, नाइट बी डी सेवन, सी फोर, ई सिक्स, देन डी टेक्स ई सिक्स। ये है दोस्तों मेन वेरिएशन। मेन वेरिएशन में आपको बिशप टेक्स ई सिक्स करना है। अब एक मूव तो यहां पे पक्की है, बिशप क्रॉस ई सिक्स के बाद यहां पे मैं व्हाइट को तीन चॉइस दे रहा हूं। तो सबसे पहली चॉइस है सी फाइव, जो ज्यादा फेमस नहीं है। दूसरी चॉइस है नाइट सी थ्री, ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन थर्ड चॉइस जो है डी फाइव, इसमें तीन वेरिएशन ब्लैक की ओर से होंगे। तो यहां पे हम देखेंगे पहले सी फाइव वाला वेरिएशन। यहां पे आप तीन भाग कर दो मेन लाइन लिखने के बाद, मेन लाइन ए, मेन लाइन बी एंड मेन लाइन सी। सी फाइव आपको यहां खेलना है सी सिक्स, अटैक ऑन दिस बिशप, बिशप ए फोर, नाइट डी फाइव, अब नाइट सेंट्रलाइज होगा, नाइट सी थ्री, यहां पे नाइट टेक्स नाइट। जैसे ही नाइट डेवलप होता है उसे तुरंत कैप्चर कर लो, बी टेक्स नाइट, पॉन, एक ही लाइन में डबल हो जाएंगे जो एंड गेम में आपको काफी फायदेमंद रहेंगे। क्वीन एच फोर चेक, यहां भी आपको चेक मिल रहा है, तो जी थ्री एक ही बढ़िया ऑप्शन होता है यहाँ पे जी थ्री, देन क्वीन एफ सिक्स। अब ये पोजिशन से आप काफी अच्छा खेल सकते हो, लाइक बिशप ई सेवन और लॉन्ग शॉर्ट कैसल का प्लानिंग यहाँ पे है। अब देखिए दोस्तों दूसरा मेन वेरिएशन ई फोर, डी फाइव, ई क्रॉस डी फाइव, नाइट एफ सिक्स, देन डी फोर, बिशप जी फोर, एफ थ्री, बिशप एफ फाइव, देन बी बी फाइव चेक, नाइट बी डी सेवन, देन सी फोर, ई सिक्स, डी टेक्स ई सिक्स, बिशप टेक्स ई सिक्स। दूसरा मेन वेरिएशन है नाइट सी थ्री।
व्हाइट की ओर से एक और रिप्लाई आ रहा है नाइट सी थ्री, यहां आपको खेलना है सी सिक्स, काउंटर अटैक यहां पे कर सकता है व्हाइट, डी फाइव, काउंटर अटैक एक ही उसके लिए अच्छी मूव क्योंकि बिशप ए फोर में बिशप टेक सी फोर और यहां पे ब्लैक काफी फेवरेबल गेम है, तो डी फाइव के रिप्लाई में बिशप टेक्स डी फाइव आता है यहां पे सी टेक्स डी फाइव, उसके बाद सी टेक्स बी फाइव आफ्टर नाइट टेक्स सी फाइव, यहां पे क्वीन चेक नाइट सी थ्री और ये गेम आपकी फेवर में बिशप बी फोर। तो ये था दूसरा मेन वेरिएशन। अब तीसरा जो मेन वेरिएशन है डी फाइव वो बहुत ही लंबा है, मतलब उसमें मुझे पूरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे कि तीसरा डी फाइव वेरिएशन है उसमें मैं डीप में आपको बता दूंगा ई फोर डी फाइव नाइट एफ सिक्स बिशप जी फोर एफ थ्री बिशप एफ फाइव बी बी फाइव चेक एन बी डी सेवन देन सी फोर ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स बिशप टेक्स ई सिक्स और इसके बाद डी फाइव। अब इसके आगे के मूव्स आपको देखने हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तीन भाग होते इसमें भी और ये तीन मेन लाइन होती है वो तैयार करने के बाद पोर्टुगीज गैम्बिट में बिशप बी फाइव चेक वाला पूरा वेरिएशन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो दोस्तों पोर्टुगीज मतलब स्कैंडिनेवियन बहुत ही डीप में है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, समझना एकदम ईजी है क्योंकि सारे मूव्स आपके कहने के मुताबिक होते हैं। जैसे कि आप गेम भी खेलोगे तो जितने मूव्स आपने तैयार किए वही मूव ज्यादातर गेम में आते हैं, तो इसके बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दो टाइप के प्लेयर होते हैं चेस में, एक तो पोजिशनल प्लेयर दूसरा है अटैकिंग प्लेयर। पोजिशनल प्लेयर जो धीमे धीमे पॉन प्लस होने की योजना बनाता है और फिर गेम को एंड गेम में ले जाके सारे पीसेस सिंप्लीफाई करके गेम जीतना चाहता है, और अटैकिंग प्लेयर बीच में ही मिडल गेम में ही गेम को कुछ ना कुछ तरीके से क्रश करना चाहता है। यहाँ पे दोस्तों स्कैंडिनेवियन डिफेंस एक ऐसी लाइन है कि बहुत सारे वेरिएशन मोस्टली वेरिएशन में अटैकिंग है, आप ब्लैक से कहीं ना कहीं व्हाइट की गेम क्रश करना चाहते हो। वैसे तो आप देखा जाए तो कोई भी ओपनिंग खेलोगे सिसिलियन डिफेंस या फिर फ्रेंच या कैरोकान सब में आपको व्हाइट का अटैक का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस लाइन में आपको व्हाइट का अटैक का सामना नहीं करना है बल्कि व्हाइट को आपके अटैक का रिप्लाई देना है, इसीलिए ये बहुत ही पसंद है मेरी लाइन, तो मैं इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा। तो सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने अच्छे प्लेयर्स जो है उसे ग्रुप में शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये सारी जानकारी मिले, और जल्द ही मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ फिफ्थ मूव बीबी फाइव चेक वाले वेरिएशन में डी फाइव वेरिएशन के सारे भाग लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।